हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांच इशू। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का है। बीएससी मैथ में आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, बीएससी मैथ सेमेस्टर एक का वीडियो। सेमेस्टर एक में चैप्टर नंबर 7, या यूं कहिए यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम दो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देखिएगा। एक है आपकी मैकलॉरिन थ्योरम, एक है आपकी टेलर थ्योरम। तो आज हम एक बहुत ही शानदार थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखिएगा कितनी बार आ चुकी है, देखिए मैं आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2 बार, अवध यूनिवर्सिटी में 4 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 3 बार, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 बार, काशी यूनिवर्सिटी में 5 बार, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 4 बार और आगरा यूनिवर्सिटी में 3 बार। कितनी बार आ चुकी है ये, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कईयों बार आई है ये। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, स्टेट एंड प्रूव मैकलॉरिन थ्योरम। क्या कहेगा क्वेश्चन, इस तरीके से आएगा स्टेट एंड प्रूव। ये स्टेट करना है और इसको भैया प्रूव करो। ठीक है, मतलब ये है कि इसका स्टेटमेंट लिखना है और इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये मैकलॉरिन थ्योरम होती क्या है, इसको प्रूव करना है। ओके, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ये समझिए ललन टॉप तरीके से। चलिए पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप नोट्स वगैरह मांगते हो तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैकलॉरिन थ्योरम स्टेटमेंट है इसका, लेट एफ बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, माना कि हमारे पास ये एफ एक्स है, एक कोई फंक्शन है एक्स का। एक्स का फंक्शन भाई इस तरीके से हो सकता है, जैसे एफ एक्स आपका इस तरह से हो सकता है 3x² + 4x + 5, या आपका ऐसे भी एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो 5 + x² + 4x³ + 5x⁴, ऐसे भी लिख सकते, आपका मन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बात समझ आएगी कि भैया एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, यानी कि इस तरीके से एक्स दे रखा होगा इसमें, विच कैन बी एक्सपेंडेड एज ए पॉवर सीरीज इन एक्स। एक्सपेंडेड का मतलब क्या, एक्सपेंडेड एज ए पॉवर सीरीज, मतलब एक सीरीज में इसकी जो पॉवर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होंगी। मतलब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि देखिएगा मैं आपको बता दूं कि एक्स की पावर 5 यहाँ पर, फिर प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 5x⁹, ऐसे नहीं, ये क्रम में होंगी। जैसे कि यहाँ पर एक जैसे 5 यहाँ पर आ गया कॉन्स्टेंट टर्म, फिर आ गया एक्स, फिर आ गया 3x², फिर आ गया 4x³, इस तरीके से, यानी कि एक सीक्वेंस में आपको दे रखी है, सीरीज टाइप की बन रही है। ठीक है, पावर सीरीज बन रही है आपकी। ठीक है, यानी पावरों में जैसे यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2, 3, इस तरीके से जो पावर्स की एक सीरीज बन रही है। ओके, चलिएगा, इफ द एक्सपेंशन बी डिफरेंशियबल टर्म बाई टर्म एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए इस चीज को आप छोड़ दो बिल्कुल, ये ज्यादा आपको दिमाग खर्च करेगी। सीधे सीधे बस आपने इतना लिख दिया और एंड, फिर यहां पे लिखेंगे देन और यदि, इफ ये वाली लिख देंगे, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म एनी टाइम्स ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब क्या है, देन, देन इसका मतलब यह है, इस लाइन का मतलब समझो कि यदि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है टर्म बाय टर्म, यानी कि ये जो एफ एक्स आपका इस तरीके से पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये क्या है, ये डिफरेंशियबल है टर्म बाय टर्म। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि 1 बार डिफरेंशियबल है, 2 बार डिफरेंशियबल है, 5 बार डिफरेंशियबल है, 6 बार डिफरेंशियबल, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितने भी नंबर टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स डिफरेंशियबल, 3 टाइम्स डिफरेंशियबल, 4 टाइम्स डिफरेंशियबल, यानी एनी नंबर टाइम डिफरेंशियबल है ये
जो फंक्शन एफएक्स जो दे रखा है इसका टर्म बाई टर्म कैसा है, डिफरेंशियबल है एनी नंबर टाइम, चाहे कोई भी नंबर हो सकता है, देन देन fx इज इक्वल टू f0 x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 x की पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल f 3 डैश, यानी कि 3 टाइम्स डिफरेंशियबल एट 0। ऐसे ही n अपॉन n फैक्टोरियल तो f n 0, यानी कि n टाइम्स इसका डिफरेंशियबल करने के बाद 0 रख देंगे। तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड मैकरोनी सीरीज, ठीक है, और आप लिख देंगे दिस सीरीज कॉल्ड मैकलॉरिन्स सीरीज एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड मैकलॉरिन्स थ्योरम। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात नहीं समझ में आई है तो देखिएगा कि भैया fx कोई आपका एक x के रूप में कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से सीधे सीधे, let fx be a function which can expanded h power series in x, पर सीधे सीधे लिख दो then fx is equal to f0 x upon 1 factorial f dash 0 x square बटे 2 factorial f double dash 0 x की power 3 बटे 3 factorial f triple dash 0, इसी तरीके से x की power n बटे n factorial f n 0। This is called Maclaurin's series और this theorem is called Maclaurin's theorem। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, चलिएगा, दूध आया अभी हमारा, एक मिनट रुकिएगा। बात समझ में आती होगी अच्छे से, मैकलॉरिन्स थ्योरम क्या है, चलिएगा, इस सीरीज को हम मैकलॉरिन्स सीरीज बोलते हैं और इस थ्योरम को मैकलॉरिन्स थ्योरम, इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले दो तीन बातें आपको आनी चाहिए, जैसे देखिएगा मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मेरा आप देखिएगा, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए x की पावर n है, इसका यदि x की पावर n जो होता है ये y बराबर, इसका मैं एक बार अवकलन करूंगा तो ये n आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, इसका दोबारा से मैं अवकलन करूंगा, यानी कि देखिएगा x की पावर n का अवकलन करूंगा तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 ये हो गया। अब इसका दोबारा से अवकलन करूंगा तो ये n जो का त्यों रहेगा, अब ये x की पावर n माइनस 1 है, ये x की पावर n माइनस 1 ये n है y1, इसका दोबारा से अवकलन करूंगा ये y2 हो जाएगा, ये n जो का त्यों रहेगा, अब ये ऊपर वाला और आगे आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 और ऊपर n माइनस 1 फिर माइनस 1, यानी कि ऊपर x की जगह n की जगह पर ये है n माइनस 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा n माइनस 1, इस तरीके से n n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये n जो का त्यों रहेगा, n माइनस 1 जो का त्यों रहेगा, n माइनस 2 यहां पर आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा x की पावर n माइनस 3, ठीक है। अब इसका फिर चौथी बार अवकलन करूंगा इसी तरीके से आगे, x की पावर n माइनस 3 यहां पर आ जाएगा, ये n माइनस 4 हो जाएगा, ऐसे पांचवी बार अवकलन करेंगे तो x की पावर n n माइनस 1 n माइनस, देखिए n माइनस 2 कहां गया भाई, n माइनस 2, देखिए यहां पे n माइनस 2 भी रखना पड़ेगा, ऐसे यहां पे n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप करेंगे तो x n टाइम्स इसका अवकलन करूंगा, n टाइम्स इसका अवकलन करूंगा तो n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, इसी तरीके लास्ट में 3 2 1 आ जाएगा।
अब दिमाग में आपके बस एक ही कंक्लूजन होगी, सर ये तो मैं समझ गया कि भैया एन माइनस फोर एन माइनस फाइव इस तरीके से आता चला जाएगा, लेकिन ये 3 2 1 कैसे आया इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिएगा यहां से समझिएगा, इसका भी मैं उत्तर आपको देता हूं। देखिए यदि मैं कह रहा हूं आपको, देखिएगा इस तरीके से समझिए, यदि वाई की पावर, यहां वाई बराबर आपको दे रखा है एक्स की पावर 5, इसका आकलन करो, एक बार इसका आकलन करूंगा तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, इसका दोबारा आकलन करूंगा तो 5 और 20 20 मत करो, इसका इतना ही 5 × 4 × x की पावर 3, फिर ऐसे ही तीसरी बार इसका आकलन करेंगे तो 5 × 4 × ये वाला 3 भी आगे आ जाएगा, 3 × x की पावर 2 बचेगा, ऐसे ही इसका 4 बार आकलन करिए तो 5 × 4 × 3 × ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का आकलन करेंगे 2x आ गया। अब इसका ऐसे ही पांचवी टाइप पांच टाइम्स इसका आकलन करूंगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एक्स का आकलन कितना हो जाएगा 1। तो ये देखिएगा हमारे एक्स की पावर 5 दे रखा था, तो यदि मैं इसका 5 टाइम्स अवकलन करूंगा, यानी कि इस वाई का 5 टाइम्स अवकलन करूंगा, तो क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1, ऐसे आया ना 5 4 3 2 1। ऐसे ही यदि यहां पर आपका 8 दे रखा है, तो अब देखिएगा, सॉरी यहां पर एक्स की पावर में कह रहा हूं, एक्स की पावर 6 दे रखा है ये वाई बराबर, इसका एक बार अवकलन करेंगे 6x की पावर 5 आ जाएगा, दो बार अवकलन करेंगे 6 × 5 × x की पावर 4 आ जाएगा, तीन बार इसका अवकलन करेंगे 6 × 5 × 4 x की पावर 3 आ जाएगा, दो चार बार इसका अवकलन करेंगे 6 × 5 × 4 × 3, यानी x की पावर 3 का करेंगे 3x स्क्वायर, ऐसे ही इसका 5 टाइम्स इसका अवकलन करेंगे 5 4 3 3, अब इसका अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं इसका 6 टाइम्स अवकलन करूंगा 6 5 4 3 2 और x का करूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब यदि ये 6 दे रखा है तो 6 टाइम्स मैं इसका अवकलन करूंगा, तो लास्ट में ये 6 से ही घातें कम होती चली जाएंगी, और कहां तक कम होंगी 1 तक। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं यहां पर, आपको पता चल गया कि भैया यहाँ पर वाई बराबर एक्स की पावर 3 दे रखा है, तो वाई की 3 टाइम्स इसका अवकलन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 × 2 × 1। ऐसे यदि यहाँ पर एक्स की पावर एन दे रखा है वाई बराबर, और मैं इसका एन टाइम्स अवकलन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस तीन, इसी तरीके से घातें घटती चली जाएंगी और लास्ट में तो 3 2 हुआ नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज है, तो x की पावर n का जब अवकलन करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसीलिए हमने बताया था x की पावर n का यदि हम n टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो n फैक्टोरियल आता है, ये हमने फॉर्मूले में भी डायरेक्ट बताया था, बात समझ में आ गई कि बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझाया है। अब इससे ज्यादा आप और ज्यादा दूध पीते बच्चे हो तो पहला भैया स्कूल में पढ़ के आओ, उसके बाद में बीएससी का पढ़ो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई डाउट बचा। अरे तेरी क्या कर दिया मैंने यार, ओके ओके ओके, इसको काटते हैं, ये देखिए हाँ इसको भी काट दे रहे, ये देखिए चलिए। ये हो गया, ठीक है, चलिए। तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या मान रहे, देखिएगा अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमने माना सपोज fx इज ए फंक्शन ऑफ x, fx आपका x का कोई फंक्शन है, किस तरीके से दे रखा है fx बराबर, जैसे कि a0 ये कॉन्स्टेंट है a0, फिर a1x a2x2 a3, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पर और भी दे रखा है आपका, सपोज दैट
a3x की पावर 3, इसी तरीके से प्लस डट 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 ऐसे दे रखा है आपका फंक्शन, इसको मैंने समीकरण एक मान लिया। यहां पर मैंने बोल दिया है कि ये a0 a1 a2 a3 डट 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 an ये क्या है, आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट है। जैसे लाइक इस तरीके का ये फंक्शन दे रखा है, ये देखिएगा, जैसे 5x x 3x² 4x की पावर 3, इस तरीके से बढ़ते क्रम में, यानी कि जो पावर है एक सीरीज में दे रखी है 1 2 3 4, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए एक घात होगी, यहाँ पर 1 2 3, इस तरीके 4 5 6, ऐसे n टाइम्स तक दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इस पहली जो समीकरण है आपकी, ये पहली जो समीकरण है इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया भैया ये आर कॉन्स्टेंट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण का मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण का मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन सक्सेसिबिलिटी, यानी कि लगातार हम सक्सेसिव रूप से हमें इनका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लगातार। जैसे एक बार हमने इसका अवकलन किया, जैसे यहाँ पे एक बार एफ डैश एक्स लिख दूंगा, तो ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि ए जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो हो गया। यहाँ पर ये x है तो x का अवकलन ये 1 हो जाएगा, ये x का अवकलन 1, a1 जो का त्यों रहेगा। ऐसे ही इसका करेंगे, ये a2 जो का त्यों रहेगा, ये देखिएगा ये a2 जो का त्यों रहेगा, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। इसी तरीके से ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से देखिएगा, ये है a3 तो आपका जो का त्यों रहेगा, इंटू इसका करेंगे, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2, फिर प्लस इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये हो गया, ठीक है, ये और ये प्लस इस तरीके से, बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूंगा, तो देखिए 0 तो ये खत्म हो गया, अब यहाँ पर ये a1 बचा, ये आपका a1 यहाँ पर आ गया, इसको मैंने कैसे लिखा, देखिएगा 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये वाला a2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला x मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके, अरे तेरी, ये देखिएगा ये यहाँ पर, चलो मैं इसको पूरा का पूरा आपको मैं कर दे रहा हूं, ये आपका a1 आ गया प्लस इसका, ये देखिएगा ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये a2 और ये हो जाएगा x प्लस ये आपका कितना है 3, ये a3 रहेगा इंटू ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस प्लस और ये कितना n आगे आ जाएगा an और x की पावर n-1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इसका फिर दोबारा से अवकलन करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो अब की बार ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, अब ये x है तो इसका 1 हो जाएगा अवकलन, तो ये केवल 2a2 बचेगा। इसका करेंगे तो देखिएगा ये 3 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 6, यानी 3 × 6 हो जाएगा, ये a3 आ जाएगा और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, x हो जाएगा। इसी तरीके सभी घातों के आगे घातें कम होती चली जाएगी, इसका करेंगे ये n आगे आ जाएगा, n-1 का करेंगे तो n-1 और n-1 में से एक निकल जाएगा तो n-2 बचेगा, इस तरीके से हो जाएगा ये। ऐसे ही इसका यदि तीसरे टाइम अवकलन करेंगे तो अब की बार ये तो 0 खत्म है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 6a3 बचेगा, ऐसे आगे के सभी टर्म्स हो जाएंगे, इसका करेंगे तो n, n-1, n-2 इस तरीके से होता चला जाएगा। अब ऐसे ही मैं इसका n टाइम्स अवकलन करूंगा तो ये सारे सारे यहाँ के जो है कांस्टेंट बनते चले जाएंगे और कांस्टेंट का अवकलन लगातार यहाँ पर क्या होता चला जाएगा, ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन लगातार 0 होता चला जाएगा। और मैंने आपको बताया ही था ये एक्स की पावर एन का चल रहा था ना, ये देखिएगा यहाँ पर x की पावर n का अवकलन एक बार हुआ, फिर आगे होता गया, तो आपको मैंने बताया ही था अभी कि x की पावर n का जब अवकलन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, n, n-1, n-2, n-3, 3, 2, 1 और यहाँ पर ये an, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट चल रहा था an वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आई, ठीक है। इसको हम कितना लिख देंगे, इसको देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर देखिए इस पेन से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा एफ एन इक्वल टू, ये देखिएगा ये जो वैल्यू है ये किसकी है, एन फैक्टोरियल की है, तो एन फैक्टोरियल इंटू ए एन ये आ जाएगा, ये आपका एन फैक्टोरियल ए एन आ जाएगा, ये आपका आ गया एफ एन। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके से इसका एन टाइम्स अवकलन करेंगे ये। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम पुटिंग x बराबर जीरो हम पुट करेंगे जिसमें एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, f डबल डैश x में, f ट्रिपल डैश x में, लगातार सभी टर्मों में हम x बराबर 0 पुट करेंगे। तो भैया जब मैं x बराबर 0 करूंगा इन fx में,
चलिए मैं यहीं से आपको पता चल जाएगा सीधे सीधे, ये जो आपका ये जो एफ एक्स था, एक्स की जगह पर मैंने जीरो रख दिया, तो यहाँ पर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स देखिए समीकरण एक को देखिए, ये समीकरण एक आपकी है एफ एक्स, तो ये देखिए जहां जहां पर एक्स है ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, क्योंकि सभी में एक्स है, तो ये केवल बचेगा ए जीरो, तो एफ जीरो यानी एक्स की जगह पर जब जीरो रखा तो यहाँ पर कितना आ गया, ए जीरो आ गया, ठीक है। अब दोबारा से एफ डैश जीरो यानी कि जो एक बार अवकलन हो रखा है जब वहां पर x है उसमें यदि जीरो रखूंगा तो कितना आएगा, ये देखिएगा इस वाले समीकरण को देखिए, ये एक बार अवकलन करने पर ये समीकरण थी, इस समीकरण में हम यदि x की जगह पर जीरो रखेंगे ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए वन बचेगा, केवल केवल ए वन बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए वन बचेगा। अब इसको ही मैं थोड़ा सा और आगे लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया a1 बराबर f डैश जीरो लिख सकता हूं, या इसी को मैं a1 बराबर f डैश जीरो बटे वन लिख सकता हूं, या मैं a1 बराबर f डैश जीरो बटे वन फैक्टोरियल, क्योंकि वन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, टू फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है टू इंटू वन ये यानी कि दो होती है, ऐसे ही तीन फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है तीन इंटू दो इंटू एक यानी तीन दूनी छह, छह होती है, ऐसे ही चार फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक यानी कि चौबीस, चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर एक है तो एक को मैं कितना लिख सकता हूँ, एक फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही अब आप एफ डबल डैश में जीरो रखिए, डबल डैश में जब जीरो रखेंगे देखिएगा, इसमें डबल डैश में जब जीरो रखेंगे, डबल डैश में जीरो रखेंगे तो यहां पर केवल ए टू बचेगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा, तो टू ए टू बचेगा, कितना बचेगा, टू ए टू बचेगा। इसका मतलब यहां से यदि मैं ए टू की वैल्यू निकालू तो ये एफ डबल डैश जीरो बट्टे ये दो इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, और दो का मतलब क्या है, दो को हम दो का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो बटे दो फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आगे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब हमारे पास में क्या है, अब एफ ट्रिपल डैश में रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश जीरो, तीन डैश में यदि मैं जीरो रखूंगा तो कितना होगा, जरा देखिएगा, ट्रिपल डैश में जीरो रखने, ट्रिपल डैश कहाँ है, ये देखिएगा, ट्रिपल डैश ये है, ट्रिपल डैश में देखिएगा ये छह ए थ्री, बाकी के सभी टर्म जीरो हो जाएंगे तो छह ए थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा छ ए थ्री, तो यहां से ए थ्री की जो वैल्यू निकालूंगा तो एफ ट्रिपल डैश जीरो बट्टे छ, इसका छह का मतलब क्या होता है, एफ ट्रिपल डैश जीरो छह का मतलब होता है तीन फैक्टोरियल, होता ही नहीं होता इस तरीके से। ऐसे ही अब यदि मैं इसी तरीके से आगे करूंगा तो मैं आगे इस तरीके से बढ़ूंगा तो सीधे सीधे मैं एफ एन पर आ जाता हूं, एफ एन जीरो, तो एन वाले में जीरो रखूंगा तो यहां पर तो एक्स है ही नहीं, जब एक्स नहीं है तो यहां पर जीरो रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एन फैक्टोरियल बट्टे ए एन कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ए एन आ जाएगा, ठीक है। और यहां से मैं ए एन की वैल्यू निकालूंगा, ए एन की वैल्यू निकालूंगा तो एफ एन जीरो बट्टे एन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये ए एन की वैल्यू निकलेगी। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डटडस ए एन इन इक्वेशन वन, सभी वैल्यू जो है हम इक्वेशन वन में रखेंगे। इक्वेशन वन क्या थी आपकी, देखिएगा एफ एक्स बराबर ए जीरो ए वन एक्स ए, तो ये देखिएगा ये जो इक्वेशन वन थी क्या, इक्वेशन वन थी एफ एक्स इज इक्वल टू ए वन जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर
थ्री एक्स की पावर तीन, फिर डैश प्लस प्लस डेटा डैश, फिर ए एन एक्स की पावर एन, इस तरीके से थी। अब यहां पर मैं सारी की सारी वैल्यू रख दूंगा। ए जीरो की वैल्यू कितनी आई थी, ए जीरो की वैल्यू एफ जीरो, ये देखिएगा एफ जीरो, फिर प्लस यहां से ए वन की जो वैल्यू कितनी आई थी, ए वन, ये देखिएगा ए वन की वैल्यू ये है एफ डैश जीरो बट्टे वन फैक्टोरियल, ठीक है, एफ डैश जीरो बट्टे वन फैक्टोरियल, और साथ में है एफ, फिर प्लस ऐसे ए टू की वैल्यू कितनी थी, ए टू की वैल्यू ये रही एफ डबल डैश, ये देखिए एफ डबल डैश बट्टे दो फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो बट्टे दो फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर, ऐसे ट्रिपल डैश, ये ट्रिपल डैश जीरो बट्टे तीन फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स की पावर तीन, इसी तरीके से था। ऐसे ए एन की वैल्यू अभी अभी निकाली है, ये रही ए एन की वैल्यू ये है, तो ये कितनी थी, एफ एन जीरो बट्टे एन फैक्टोरियल। क्या यही मैकलॉरिन्स थ्योरम थी, क्या यही मैकलॉरिन्स थ्योरम थी, दिस इज मैकलॉरिन्स सीरीज या मैकलॉरिन्स थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका यदि आपको पता है कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं, एफ डैश जीरो को हम इसको वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, यदि ये वाई बराबर दे रखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर क्या है वाई एट जीरो, फिर इसको कितना लिखोगे वाई वन एट जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल एक्स, फिर आगे इसको हम लिख सकते हैं वाई टू एट जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे ही वाई थ्री एट जीरो अपॉन तीन फैक्टोरियल एक्स की पावर तीन डेटा डैश, आगे वाई एन एट जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन, इस रूप से भी आप लिख सकते हो, ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, ए ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आई होप कि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल मैं कल कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।